दोस्तों स्वागत है आपका एशिया कप 2018 के बाद अब वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो इंडिया का दौरा करने वाली है, जहां पर 4 अक्टूबर से जो है दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इसके लिए दोस्तों अभी जो है टीम का सिलेक्शन होना बाकी, एक दो दिन में जो है वो टीम का सिलेक्शन हो जाएगा। और यहां पर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बैट्समैन की जिनका जो सिलेक्शन है वो है संदेह में, इनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों ये वेस्ट इंडीज टेस्ट जो है ये हमें बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया टूर में कैसी जो है टीम हमें दिखाई देने वाली है। तो ऐसे में जो जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया टूर में खिलाना चाहेंगे विराट कोहली, उनको जो है यहाँ पर जरूर ट्राई किया जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके सभी प्लेयर्स की। नंबर 5 पर है यहाँ पर पृथ्वी शाह जो है दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। इंग्लैंड टूर में आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन प्लेइंग 11 में जो है उन्हें जगह नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर उनको जगह मिलती है या फिर नहीं मिलती है। नंबर 4 पर है दोस्तों इस लिस्ट में मयंक अग्रवाल, सबसे ज्यादा इनफॉर्म प्लेयर अगर हम बात करें यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट की, लेकिन उनके बावजूद जो है उनको टीम में जगह नहीं मिल रही और यहाँ पर वेस्ट इंडीज टूर पे जो है उनको ट्राई किया जा सकता है और यहाँ पर उन्हें खिलाया जा सकता है अगर टीम इंडिया को मयंक अग्रवाल को देखना है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में तो। और बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि इनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है ये देखना। नंबर 3 की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर है शिखर धवन की दोस्तों अगर बात करें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर बात आती है रेड बॉल क्रिकेट की यानी टेस्ट मैच की तो इनका जो फॉर्म है वो दोस्तों थोड़ा सा जो है कमजोर पड़ जाता है। वह इंग्लैंड टूर में भी दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस था वो कुछ खास रहा नहीं था और यहां पर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इनका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं। नंबर 2 पर है दोस्तों यहां पर मुरली विजय का दोस्तों इंग्लैंड टूर जो था वो काफी ज्यादा बेकार गया था, जिसके बाद जो है इनको आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए तो स्क्वाड में भी नहीं रखा गया था। ऐसे में क्या इस टेस्ट मैच में इन्हें जगह मिलेगी ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 प्लेयर की, तो नंबर 1 पर इस लिस्ट में है रोहित शर्मा जो है वो दोस्तों व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी अहम प्लेयर है, टीम इंडिया के हर मैच जो है वो खेलते हैं, लेकिन टेस्ट मैच की अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक जो है वो अपनी जगह नहीं बनाई है। इंग्लैंड टूर में दोस्तों उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी देखना कि क्या रोहित शर्मा को इन 2 टेस्ट मैच के लिए टीम में रखा जाता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्लेयर जो है वो खेलने वाला है इस टेस्ट सीरीज में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।